हाय गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप भी देख रहे होंगे कि सुबह सुबह 7:30 का टाइम है, मैं कहाँ निकल रहा हूँ, है ना। तो आज हम जाने वाले हैं बहुत ही बेस्ट लोकेशन पे, बहुत ही फंटास्टिक लोकेशन है वो। और आज रास्ते में भी आपको शायद पता लग सकता है, तो आगे आगे देखिएगा होता है क्या। और हम पहुंचते हैं कहाँ, तो अभी मैं सिरसा सिटी से निकलने वाला हूँ, घर से निकल चुका हूँ और कुछ मेरे साथी हैं, उनको भी लेना साथ में। तो आज हम फुल एंड फाइनल करने वाले हैं मस्ती। तो आज हम जहाँ जाने वाले हैं बहुत बहुत ही बेस्ट लोकेशन है, तो आगे देखो, आगे पता लगेगा, ऐसे तो मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो आगे आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे तो आपको पता लगता जाएगा कि वो लोकेशन क्या है। अभी मैं टंकी फुल करवा लूं क्योंकि ये तो भाई बोल रही है रिफ्यूल। तो अभी हम पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं और अभी यहां से हम टंकी को फुल करवाएंगे। फुल कर दो। अभी हमने करवा लिए टंकी फुल, तो अभी पूरा आया पेट्रोल 3100 रुपए का, है ना, 3100 रुपए का। तो फाइनली अभी हमने अपनी गाड़ी की टंकी करवा ली है फुल। तो अभी हम रुकने वाले नहीं है रास्ते में टंकी के लिए, तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। अभी हम रुकेंगे कुछ खाने पीने के लिए। मौसम भी बहुत सुनहरा मौसम है, बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है और बहुत मजा आ रहा है। और साथ में ड्राइव कर रहे हैं मामा जी, तो कैसा लग रहा है मामा जी इस मौसम में ड्राइव करते हुए? बहुत मस्त, तो क्या बात है, क्या बात है। मामा जी ने बोल दिया अल्टीमेट मौसम है। तो अभी आपको ये रास्ते तो दिख रहे हैं, पर अभी आगे रास्ते आने वाले ना बहुत ही गजब के रास्ते होंगे। मैं अभी बताऊंगा तो नहीं आपको कि कहाँ जाने वाला हूँ, आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो फाइनली अभी हम पूरी टीम के साथ हैं और अभी हम यहाँ पंजाब वाली साइड से जा रहे हैं और अभी हम रुके हैं यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए। तो मामा जी जूस रेडी करवाने के लिए गए हैं, इसीलिए वो यहाँ पे बैठे नहीं हैं। तो अभी हम जूस पियेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। रास्ता बहुत लंबा है, बहुत लंबा रास्ता है और आगे आगे रास्ता बहुत कठिन होने वाला है। अभी हम फाइनली दो गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो ये मैं अभी दूसरी गाड़ी में बैठा हूँ, तो दूसरी गाड़ी में बाहर से अभी आपको दिखा देता हूँ। ब्रेजा गाड़ी है ये, और अभी मेरे साथ हैं यहाँ पे मामा जी और बाकी अभी पीछे हैं बैठे हुए। फाइनली हम अपनी गाड़ी में आ गए हैं और जगह भी चेंज कर ली है क्योंकि अभी हम कुछ काफ़ी देर से बैठे थे, गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, मामा जी भी सीट चेंज कर ली है उधर, और पहले मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था, अब इधर वाली गाड़ी में आ गया हूँ। तो चाय पानी के लिए रुके थे, तो सारी थकावट वगैरह हो ही जाती है ना गाड़ी ड्राइव करते टाइम। अभी आगे घर से तो निकल चुके हैं, अब रास्ते आगे बनते जाएंगे, मंजिल तक पहुंचते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और अभी आपको पता भी नहीं है कि हमारी मंजिल क्या है, मुझे तो पता है भाई, तो देखते हैं आगे, पता लग जाएगा बहुत जल्दी, है ना। पे खाना खाने के लिए रुके हैं और टाइम भी हो चुका है, 3:43 हो गए हैं। तो अभी हम खाना खा रहे हैं यहाँ पे और अभी मैं यहाँ पे होटल में जा रहा हूँ। बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा ये होटल है इनका, बहुत अच्छा अच्छा होटल बना हुआ है, अंदर बैठने की सीटिंग है। तो अभी हम अंदर आ गए, तो ये सारे लोग यहाँ बैठे हैं, अभी खाना वाना तो ऑर्डर कर दिया है। अभी हम खाना खाने के बाद फिर यहाँ से अभी जाने वाले हैं, आगे का सफर भी अभी काफी बड़ा है। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हिमाचल और
ये हमारी जर्नी है हिमाचल की, और आप ये देख सकते हैं कि पीछे कितने मंकी ही मंकी हैं। ये देखिए पीछे कितने मंकी ही मंकी हैं। मुझे ये डर लग रहा है कि ये फोन ना ले जाए मेरा। ये देखो हम मंकी के लिए कुछ लेके आए हैं, बिस्किट वगैरह लेके आए हैं। ये देखो मंकीज के लिए। ओहो वाह, कितने बड़े बड़े मंकी हैं पीछे। तो अभी हम हिमाचल आ गए हैं और आगे का हमारा रास्ता बहुत ही नज़दीक हम पहुंच गए हैं। तो ऐसे ही बने रहिए मेरी वीडियो के अंदर और नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अभी आपको दिखाता हूं कि आगे का रास्ता क्या है और अभी हमारी मंजिल कहां पे है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। बाय बाय।